करूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने फॉरएवर को कैसे ज्वाइन किया, मेरी लाइफ में फॉरएवर कैसे आया। तो वीडियो को स्किप मत, बिल्कुल मत करिएगा, इसको पूरा देखिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरी लाइफ में फॉरएवर कैसे आया, चाहिए हाँ, आज मैं इसके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले कि मैं बता दूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और जैसे कि सारी हाउसवाइफ अपने घर के कामों को ख़त्म करने के बाद अपनी फ्री टाइम पे फ़ोन चलाती हैं, सोशल मीडिया पे अपना टाइम लगाती हैं, मैं भी उसी तरीके से कर रही थी। लेकिन मुझे कुछ दिन बाद बोरिंग सा लगने लगा, तो मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए ऐसा काम जो मैं घर बैठे कर सकूँ ऑनलाइन तरीके से। तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो उस पर तो ऐसे तो दो तीन चीज़ें मैंने कोशिश की थी ऑनलाइन करने की, तो कई बार मेरे साथ फ्रॉड भी हुआ। जैसे एक बार मुझे इंस्टाग्राम पे एक नटराज कंपनी थी, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए ऑनलाइन तरीके से। तो उन्होंने बताया था कि ये एक ऐसा काम है जिसमें आपको 500 रुपये पहले देने होंगे, जमा करने होंगे, उसके बाद आपको एक कार्ड मिलेगा जिसमें बताया रहेगा कि आप यहाँ के एम्प्लॉई हैं, आपका नाम ये है, मतलब सब आईडी रहेगी वो। और उसके बाद क्या है कि सामान आपके घर पहुँचेगा, वो पैकिंग का काम था जिसमें पेंसिल को पैकिंग करके सिर्फ पैकिंग करके रखते थे, मतलब डिलीवरी करने के लिए कोई आएगा, सामान हमें दे जाएगा, हम पैकिंग करके उसको रेडी करेंगे, फिर वो लेके भी जाएगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो मुझे ठीक लगा, तो मैंने उसे ज्वाइन किया, 500 रुपये दे दिया मैंने उसे। और जब जिस दिन सामान आने वाला था, वो तो मैं आजमगढ़ में रहती हूँ, तो उन्होंने कॉल करके कहा था कि हम आजमगढ़ पहुँच गए हैं, आपका जो कोड है वो हमारे कोड से मिल नहीं रहा है, आपको 1000 रुपये और पे करने होंगे ताकि आपका कोड हमारे कोड से मिल जाए, हम सामान आपके घर तक पूरा पहुँचा पाए। तो मुझे कुछ शक हुआ कि उन्होंने दिखा था कि 500 से काम स्टार्ट हो जाएगा, 500 मैंने दे भी दिए थे, अब 1000 रुपये किस चीज़ का, और ये कैसा कोड मिलाने की बात करें, कोड मिलाने के लिए तो नंबर लगता है, पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसी ऐसी बात ही है, इतना पैसा मांग रहे हैं, कह रहे हैं हम आजमगढ़ में पहुँच के आपका सामान भी पहुँचा देंगे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि आपको एडवांस सैलरी में एडवांस आपको 10000 रुपये भी दिए जाएंगे। तो मैंने बल्कि फ़ोन पे कहा था कि किस चीज़ का 10000 रुपये, जब तक मैंने काम स्टार्ट नहीं किया, कोई काम किया नहीं, कोई पैकिंग का करके आपको दिया भी नहीं, तो आप एडवांस किस चीज़ का दे रहे हैं, वो भी 10000 रुपये। तो कहती है हमारा काम का करने का तरीका, हम लोग पहले एडवांस दे देते हैं लोगों को, उसके बाद ही हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब उन्होंने पैसा मांगा कि हम यहाँ पहुँच गए, हमें 1000 रुपये और दे दीजिए जमा करके, मुझे शक हुआ, मैंने कहा कि आप पहले घर पर आ जाइए, उसके बाद हम लोग पैसा जमा करेंगे, आपको देंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता मैडम, पहले आप ऑनलाइन पैसा दीजिए। तो मुझे शक हुआ, मेरे हस्बैंड को भी शक हुआ, हमने कहा कि तब रहने दीजिए, आप मत आइए, आप सामान वापस लेके चले जाइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं लेके चला जाऊँगा, फिर काम आप नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो मुझे शक हुआ, फिर मैंने उसको यूट्यूब पे सर्च किया कि ऐसा भी कोई काम है क्या जो पेंसिल पैकिंग करने का काम करते हैं। वो नटराज कंपनी था जिसका स्पेलिंग भी गलत था, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया कि नटराज की स्पेलिंग जो होती है उसका स्पेलिंग दूसरा था। फिर बाद में मैंने सर्च किया तो ऐसे कई तरीके के फ्रॉड होते हैं कि लोग पहले पैसा लेके ज्वाइनिंग कराते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम आपके घर तक पहुंच गए सामान लेके, आप हमें इतना पैसा जमा कर दीजिए, उसके बाद आपके घर तक सामान पहुंच जाएगा। ऐसे कई सारे फ्रॉड थे, तो मुझे पता चला मैं भी एक फ्रॉड में ही फंस गई हूँ। तो वो 500 तो खैर मेरे गए ही, लेकिन नेक्स्ट आगे का जो पैसा था वो मैंने दिया नहीं, उनसे मैं बच गई। ये पहली गलती मैंने की थी। दूसरी गलती एक हुई थी, गलती नहीं कि उसमें राइटिंग वाला काम था, वो घर पे आएंगे वो पेपर देंगे, उसमें हमें लिखना पड़ता है, एक बुक रहती है, उसको टारगेट रहता है हफ्ते भर या 10 दिन के अंदर हमें उसको लिखना रहता है। हम 500 पेज लिखेंगे तो उसका एक फिक्स सैलरी रहता है, अगर हम 1000 पेज लिखते हैं या 2000, उसका एक टारगेट रहता है कि इतने दिनों में आपको इतना पेज लिखना है, तो आप लिख के जमा कर देंगे, लेने के लिए पेपर आता भी है, और जब हम उसको लिख लेते हैं तो उसको ले जाने के लिए भी आते हैं। तो उसमें जो टारगेट था मैं लिख नहीं पा रही थी, उसमें इतना ज़्यादा लिखना रहता था कि मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाता था, तो वो चीज़ मैंने कर नहीं पाई। इसमें खैर कुछ फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन मतलब ये भी मैंने ट्राई किया था करने। फिर ऐसे एक बार इंस्टाग्राम पे मैं ऐसे रील्स देख रही थी, तो उसमें एक ऐड आया कि वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन का, तो मैंने उसे फिल कर दिया, मैंने सोचा पता नहीं अब इसमें क्या होगा, तो फिल कर दिया। तो उसमें 24 घंटे बाद मुझे कॉल आता है, तो कॉल में जब मैं बात करती हूँ मुझे पता चलता कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग अपनी ऑफलाइन कर चुकी थी, इसलिए मुझे इंटरेस्ट नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मैं फ़ोन रखने वाली थी कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, क्योंकि मैं ये कर चुकी, इसमें तो बाहर निकल के लोगों से बात करना पड़ता है, मीटिंग करनी पड़ती है बाहर। तो मैं ये कह के फ़ोन रखने वाली थी कि उन्होंने कहा कि ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है। तो मैंने पूछा ये डिजिटल क्या होता है इसमें, तो उन्होंने बताया कि यहाँ जाके लोगों से, बाहर जाके आपको लोगों से बात नहीं करनी होगी, मीटिंग नहीं करना होगा, डेमो नहीं करना होगा, सब कुछ ऑनलाइन तरीके से होगा, घर बैठे होगा।
तो मैंने फॉरएवर का पहली बार नाम सुना था उस कॉल पे कि ये फॉरएवर कंपनी है, ये इंडिया के बाहर अमेरिका की कंपनी है। तो उन्होंने उसके बारे फॉरएवर के बारे में थोड़ा मुझे बताया, और जब मुझे पता चला कि इसमें ऑनलाइन तरीके से घर बैठे ही कर सकते हैं, लोगों से जा जा के बात नहीं करनी पड़ेगी, मीटिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है, इसको हम ज्वाइन करके देखते हैं कैसे नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन कैसे किया जाता है, क्योंकि मैंने कभी ऑनलाइन किया नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इसकी ज्वाइनिंग के लिए आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे इस काम को स्टार्ट करने के लिए। तब मुझे पता नहीं था कि फॉरएवर की ज्वाइनिंग फी इसमें कोई आईडी लगाने का पैसा नहीं लगता है, तो मुझे उस टाइम पता नहीं था। तो मैंने उन्हें 1500 रुपया दे भी दिया था। 1500 देने के बाद उन्होंने फिर मेरी आईडी बनाई फॉरएवर ऐप, उन्होंने बताया डाउनलोड करने को, उन्होंने जैसे जैसे बताया मैंने किया। लेकिन उन्होंने जब मुझे ग्रुप में ज्वाइन किया तो उस ग्रुप में मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि काम क्या है, कैसे करना है। उसमें सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो भेजा जा रहा था कि मैंने ये अचीव किया, इतना बड़ा गाड़ी, चेक, ये सब दिखाया जा रहा था, जो मुझे समझ में नहीं रहा था। 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे ही बीतता गया, तो मुझे लगा इसमें कुछ काम सिखाया नहीं जा रहा, 5 दिन ऐसे ही बीत गया। तो मैं तो यहाँ पे ज्वाइन हूँ काम करने के लिए, काम सीखने के लिए, कि बता नहीं पा रहा है। तो मैंने अपने जो अप्लाइंट थे मेरे उनसे पूछा कि ये काम क्या करते हैं, इसमें सिखाइए कुछ। उन्होंने कहा कि इसमें हम आपको पहले आप देखिए 2CC करना होता है इसमें, आप पहले 2CC कर लीजिए। तो मुझे तो समझ ही नहीं आता कि 2CC क्या होता है, CC क्या होता है, मुझे ये भी नहीं पता था उस टाइम। तो मैंने पूछा अच्छा प्रोडक्ट के बारे में क्या इसमें है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे क्या करते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल थोड़ी बताइए। तो उन्होंने कहा यूट्यूब से आप सर्च करिए। तो मुझे उनके बताने का तरीका नहीं समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था इनका। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे शुभम सर का वीडियो देखने को मिला, उन्होंने 2 से 3 वीडियो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा उनके समझाने का जो तरीका था कि वो नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से कर रहे हैं, अपनी टीम को कैसे सिखा रहे हैं, मुझे समझ में आया। तो मैंने सोचा कि मैं इनसे बात करूं, इनसे ही हेल्प लूं कि ये मुझे सिखा सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कैसे ऑनलाइन करना है, क्योंकि मेरे अपलाइन के पास तो टाइम ही नहीं था, मुझे टाइम ही नहीं दे पा रहा था समझाने के लिए। तो मैंने किसी तरीके शुभम सर का नंबर निकाला, अलका जी का नंबर निकाला, उनसे बात की, तो फिर मैं जाके उनकी टीम में शामिल हुई। फिर मैंने अपनी टीम छोड़ दी पहली वाली, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ सीखने को नहीं मिल पा रहा था, यहाँ पे ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं लगा था। तब मुझे पता चला कि यहाँ की ज्वाइनिंग फ्री होती, फॉरएवर की कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन जब मैंने पहली बार फॉरएवर ज्वाइन किया था आईडी लगा के, तो वहाँ मुझे 1500 रुपये देने पड़ गए थे, लेकिन यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग का पैसा नहीं लगा था। मैं टेलर क्रिएटर टीम से हूँ, और इस टीम में टोटली ऑनलाइन कैसे काम करते हैं ये सिखाया जाता है, और बहुत अच्छे तरीके से मैं घर बैठे से कर ली, मुझे घर से बाहर निकलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं, टेलर क्रिएटर टीम में शामिल होना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है मैंने, आप वहाँ से जाके खुद ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट के ऑर्डर भी ले सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।